हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट देखेंगे, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड, ये इसका एक क्वेश्चन पेपर है और जिसका कि कोर्स कोड E208 है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये 100 मार्क्स का आता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो फ्रेंड, देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। और फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन पेपर हैं ये जनरली रिपीट होकर आते रहते हैं, या क्वेश्चन को पूछते हैं वही चीज़ें, बट क्वेश्चन का एक तरीके से पूछने का वो बदल देते हैं, मतलब घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड, इसमें पहला क्वेश्चन है जो 20 नंबर का है, गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। गणित शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की RCEMIM को समझाइए तथा व्यवहारिक उद्देश्यों हेतु प्रत्येक के लिए उदाहरण भी दीजिए, अथवा शिक्षण विधि एवं प्रविधि में अंतर बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए एवं गणित शिक्षण में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग भी समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, बीजगणित शिक्षण की विश्लेषणात्मक संश्लेषात्मक विधि का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए अथवा व्याख्या कीजिए कि गणित शिक्षण की आगमन और निगमन विधि किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। अपने उत्तर की पुष्टि समुचित उदाहरण से दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, निष्पत्ति परीक्षण उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है। निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण के विभिन्न सोपान क्या हैं। फ्रेंड, इसके अलावा आप अथवा में जो क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, यानी कि आपको इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, अथवा निम्नलिखित में से किसी एक पर कक्षा 9 के लिए पाठ योजना तैयार कीजिए। पहला है समुच्चय का संधिकरण और प्रतिच्छेदन, दूसरा है चक्रवर्ती ब्याज और तीसरा है बेलन के संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल। सेकंड सेक्शन आ जाता है आपका खंड बी या खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, और इसमें आपको 8 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला, इसमें निम्नलिखित में से किसी 2 गणितज्ञों का योगदान बताइए, भास्कराचार्य, रामानुजम, लीलावती और आर्यभट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, गणित की प्रयोगशाला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। फिर नेक्स्ट है गणित विषय के पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है खोज विधि क्या है। फिर नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, CCE प्रणाली की प्रमुख सीमाएं लिखिए। फिर नेक्स्ट है गणित शिक्षण में स्वयं निर्मित उपकरणों का महत्व बताइए। फिर नेक्स्ट है मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड, ये आपका था सेक्शन बी। अब आ जाता है आपका खंड सी या खंड सा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया पक्ष कांग है, तो इसका आंसर है भावनात्मक। फिर नेक्स्ट है पुस्तक पाटी गणित के रचयिता कौन थे, तो श्रीधराचार्य। फिर 14 क्वेश्चन है, रॉयल्स प्रमेय किसने दी, तो ये भास्कराचार्य ने दी। गणितज्ञ डैश ने गणित ज्ञान का वाद यंत्रों से संबंधित करने का प्रयास किया। रेखांकित नाम की पुस्तक किसने लिखी, रेखागणित नामक पुस्तक किसने लिखी। गणित को परिभाषित कीजिए, पाई का मान किसने ज्ञात किया था, तो आर्यभट्ट द्वितीय ने किया था। ये गणित विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा, ये गौस ने कहा था। लक्ष्यों की 2 विशेषताएँ बताइए, गणित के इतिहास को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड, ये आपका 2017 का मॉडल पेपर था CCS यूनिवर्सिटी का। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।